हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा आप सबको। मेरा नाम रूपाली तावरे है और मैं सोलपीस ग्रुप से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। सोलपीस ग्रुप में आने के बाद से मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा मिरेकल मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 5 नवंबर को मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी जहाँ मैं जिंदा ही नहीं बचने वाली थी। उस दिन मेरे दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियों के वजह से हो रहा होगा, ऊपर नीचे करने की वजह से, सीढ़ियों पर से ऐसा लग रहा था मुझे। पर मेरी फैमिली दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने की वजह से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर हॉस्पिटल में मुझे लेकर गई डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में जाती ही मेरी आँखें बंद हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे कि मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ICU में शिफ्ट किया गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी पर कोई मार रहा है, ऐसा लग रहा था कि मेरे हार्ट में कोई खंजर मार रहा है, मेरा दिल बाहर ही निकल देगा कोई, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं बहुत पेन में थी, मेरी आँखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसी समय मुझे ज़ोर से रूपाली माँ की आवाज़ आ गई, आंखें बंद नहीं करनी है तुझे रूपाली। मेरी आंखें खुल गई झट से और मेरी जान में जान आ गई और मैं सांस ले पाई। रूपाली माँ द्वारा दिए गए मेंटर है मेरे भावना दीदी, उनके साथ मैं कंटिन्यूसली कॉल पर थी। रूपाली माँ ने मेरा केस लिया, उसी समय रूपाली माँ ने मेरा केस लिया और मैं कंटिन्यूसली सरेंडर लाइन्स बोलती जा रही थी। आई लव राधा कृष्ण, आई लव रूपाली माँ। मैं रूपाली माँ की एनर्जी महसूस कर पा रही थी। मेरी हार्ट बीट 200 से 90 तक आ गई और मेरी सांस भी नॉर्मल हो गई, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। मैं ICU से 2 दिन में बाहर आ गई और वह घर में 2 दिन के बाद ही वापस आ गई। आज मैं जिंदा हूँ और आप सबके सामने हूँ। नहीं तो मैं रूपाली माँ नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन रूपाली माँ। आपने ही तो मुझे नया जीवन दान दिया है, आपकी कृपा से ही तो मैं जिंदा हूँ आज। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। हरे कृष्णा।